बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी शाही पनीर। शाही पनीर बनती है बहुत सारे टमेटोज, ओनियन और काजू से। शाही पनीर बनानी थी और वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो मैंने कुछ रेस्टोरेंट के शेफ से बात की ताकि मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर बना के बता सकूं। क्या आप जानते हैं शाही पनीर और पनीर बटर मसाला में फर्क क्या होता है? ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, बस इतना कि शाही पनीर हल्का सा मीठा होता है और शाही पनीर काफ़ी क्रीमी होता है, जबकि पनीर बटर मसाला, जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, मसाला है वो भी बटर में भुना हुआ, तो मक्खन में भुने हुए मसालों की एक खुशबू और थोड़ा सा स्पाइसी डिश। तो यही डिफरेंस होता है पनीर बटर मसाला और शाही पनीर में। और देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने यहाँ प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को सब बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया। आपको यहाँ प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च कुछ भी बारीक नहीं काटना है, इनको काफ़ी बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है। तो आपको यहाँ बता दूँ, टमाटर इसमें हमें बिल्कुल लाल रंग के लेने हैं, तभी तो हमारी ग्रेवी में कलर बहुत अच्छा आएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि रंग अच्छा लाने के लिए कुछ हाइब्रिड टमाटर ले लें और कुछ थोड़े देसी टमाटर ले लें, तो थोड़ी खटास भी मिलेगी और रंग भी अच्छा आएगा। वैसे टमाटर आप कोई भी तरीके के ले सकते हैं। और ये है हमारा करीब 20 ग्राम काजू। काजू की जगह आप मेलन सीड्स ले सकते हैं, आलमंड ले सकते हैं या खसखस भी पीस के डाल सकते हैं, पर मैं आज यहाँ काजू और मेलन सीड्स यूज करूँगी। ये खड़े गरम मसाले, लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेजपत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची। तो कढ़ाई गरम करके इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। और इसमें अब हम डाल देंगे जीरा और हम डाल देंगे सारे गरम मसाले। अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक, लहसुन, थोड़ा सा इसका रॉनेस चला गया। अब हम डाल देंगे प्याज, प्याज भी हमें बिल्कुल भी ब्राउन करके नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाए। और इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्च, इन सब को हम थोड़ा भूनते रहेंगे करीब 2 मिनट। और अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम इसमें मेलन सीड्स और काजू भी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये टमाटर और प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा चलाने के बाद हम इस पे पानी डाल देंगे और इसको ढक देंगे ताकि ये सब एकदम अच्छे से गल जाए। जब मैं रेस्टोरेंट में शेफ से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग ये अदरक, लहसुन, काजू, इन सब चीज़ों को थोड़ा सौते करके उबाल लेते हैं और उसके बाद इसे पीस कर ग्रेवी बना के रेडी कर लेते हैं। इससे उन्हें 2 फायदे होते हैं। एक तो हमेशा उनको एक जैसा टेस्ट मिलता है, टेस्ट में वेरिएशन नहीं होता। और दूसरा, इस ग्रेवी को प्रिपेयर करके वो लोग 3-4 दिन तक के लिए प्रिजर्व करके रख देते हैं। इसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड डाल देते हैं तो ये एक उनका रेडी सॉस जैसा बन जाता है। और इसको जब भी कस्टमर आए तो इसको थोड़ा वार्म करके इस पे पनीर वगैरह डाल के या कोई दूसरा वेजिटेबल भी डालना हो तो डाल के तुरंत सर्व कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो आप जब भी रेस्टोरेंट में शाही पनीर खाते हैं तो हल्का सा आपको खट्टापन लगता है, पर हम तो घर में बना रहे हैं और वो भी फ्रेश खाने के लिए, तो हम सिट्रिक एसिड क्यों डालें? तो हम क्या करेंगे, हम ये जो सूखे मसाले हैं, हल्दी, धनिया, काश्मीरी लाल मिर्च, ये सब को हम थोड़ा सा दही में घोल लेंगे। तो दही में घोलने से क्या होगा, हमें तेल कम लगेगा मसालों को फ्राई करने के लिए, दूसरा दही जो है इसमें काफ़ी क्रीमीनेस देगा और हमारे लिए क्रीम की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो चलिए
अब दही में हम डाल देते हैं हल्दी, धनिया, भुना हुआ जीरा और काश्मीरी लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से दही में मिलाकर रख लेते हैं। हम ढक्कन खोलकर देख लेते हैं कि हमारे टमाटर और प्याज सब गल गए हैं कि नहीं। टमाटर, प्याज ये सब कुछ अच्छे से गल गए हैं तो अब हमें इन्हें पीसना है, लेकिन हम इतना गर्म तो मिक्सी में पीस नहीं पाएंगे, तो इसे ठंडा होने के लिए हम कुछ देर के लिए रख देते हैं। वैसे आप इन सारी चीज़ों को प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते हैं 3-4 सीटी करके। तो अब हम इसमें से सारे खड़े गरम मसालों को निकाल लेते हैं, क्योंकि खड़े गरम मसालों के साथ अगर हम पीसेंगे तो शायद कुछ तीखापन भी आ जाए और हो सकता है स्मेल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो इनको हम निकाल लेंगे। तो इसे बंद किए हुए मुझे करीब 1 घंटा हो गया है और ये ठंडा भी हो गया है, तो अब मैं इसे मिक्सी में डाल लेती हूँ और डालकर पीस लूँगी। हमें बहुत स्मूथ सी ग्रेवी चाहिए, तो इसे हमें एकदम अच्छे से पेस्ट बनाना है, तो हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। पीसने के बाद अब हम इसे छान लेंगे। वैसे तो एक बार छानने से ही काफ़ी स्मूथ ग्रेवी मिल जाती है, लेकिन हम एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो आज हम इसे 2 बार छान लेंगे। वैसे आप एक बार छान के भी ग्रेवी बना सकते हैं। ये पूरा मैंने छान लिया और देखिए थोड़ा थोड़ा इसका कलर भी अच्छा आ गया है। अब हम कढ़ाई गरम करेंगे और इस पे डालेंगे थोड़ा सा तेल। यहाँ हम बटर नहीं डालेंगे, घी नहीं डालेंगे, हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। और ये एक बंगाली ट्रिक है, हम यहाँ कुछ दाने शक्कर के डालेंगे। ये शक्कर जब कैरमलाइज होती है तो ग्रेवी को बहुत अच्छा कलर देती है, तो इसलिए हमने डाला शक्कर के दाने। और अब ये जो हमने दही में सारे मसाले घोल के रखे थे, अब हम इसको भी डाल देंगे। इसको डाल के हम करीब 1-1.5 मिनट तक चला लेंगे। पनीर अगर आपका फ्रीज़र में रखा हो या फ्रिज में रखा हो तो आप उसको निकाल के थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में आने के लिए रख दें। तो पनीर को बनाने के पहले हमेशा उसको रूम टेम्परेचर पे ले आना अच्छा होता है। और अब हम इसमें डाल देंगे पनीर, और पनीर को हमको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना कि पनीर हल्का सा गर्म हो जाए, मतलब 1 मिनट मैक्सिमम। और इसके बाद हम पनीर को निकाल लेंगे और इस कढ़ाई में ही हम तुरंत अपनी ग्रेवी जो हम छान के रखे थे उसको डाल देंगे। फ्लेम एकदम लो कर दीजिए, क्योंकि मसाले जलने ना पाए। अगर मसाले जल गए तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और इसको एक बार अच्छे से हिला देंगे। और अब हम यहाँ पे या तो थोड़ी क्रीम ऐड कर सकते हैं या दूध ऐड कर सकते हैं। हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा दूध डाल दीजिए, और अगर थोड़ा आप रिचनेस चाहते हैं तो थोड़ी सी क्रीम डाल दीजिए। दोनों में ही स्वाद में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अब इसको हम अच्छे से थोड़ा चला देंगे और इसको बॉयल करेंगे। हम इसे तब तक बॉयल करेंगे जब तक हमारी ग्रेवी एकदम आधी ना रह जाए और हमें अपनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाए। ये ग्रेवी हमारी एकदम तैयार है और मेरी डिश ऑलमोस्ट रेडी है। तो इस डिश को हम फिनिश करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसे हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया था उसको हाथ से क्रश करके डाल देंगे, और गरम मसाला डाल देंगे, और फिर उसमें डाल देंगे पनीर। ग्रेवी में हम थोड़ा नमक पहले ही डाल चुके थे, थोड़ा नमक और शक्कर डालेंगे। इस पूरी डिश को बनाने में आपको लगेंगे 40 से 45 मिनट। और फाइनली जो इस डिश के लिए सबसे ज़्यादा फ्लेवर का काम करता है वो है मक्खन, तो हम मक्खन भी डाल देंगे और ऊपर से हम डालेंगे क्रीम। चूंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं इसलिए मैं मक्खन और क्रीम दोनों चीज़ें डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और इनका यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ना करें, और अगर आप इन्हें थोड़ी मात्रा में डालना चाहते हैं तो आप बिल्कुल थोड़ी मात्रा में डालें।
ये पूरी की पूरी चॉइस आपकी है। शाही पनीर का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद बहुत अच्छे से एनहांस हो जाता है, तो बहुत ही बढ़िया लाजवाब शाही पनीर तैयार है। इसे आप लच्छा पराठा, पराठा, नान, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन लच्छा पराठा के साथ इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है।